स्वागत है आपका ससीत के किचन में। आइए आज हम बनाते हैं पोहे से बनकर झटपट बनकर तैयार होने वाला नाश्ता। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा मोटा चूड़ा ये, और कटी हुई सब्जियाँ, थोड़ा सा दही और एक कटोरी सूजी। इसको बनाने के लिए एक मिक्सिंग जार में हम डालेंगे ये पोहा। इस पोहे को मैंने पहले से धुल लिया है ज़रा से पानी से, ये देखिए। अब हम डालेंगे इसमें दही, एक कटोरी दही डालेंगे अब इसमें हम, और नमक डालेंगे इसमें, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर जार में चला लेंगे। ये देखिए, ये हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसको एक कटोरे में पलट लेते हैं और इसमें थोड़ा सा मिलाते हैं सूजी। ये देखिए, इसको हम इस तरीके, इसमें थोड़ी सी सूजी इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने वैसे तो दही का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन सर्दियों में हमारा दही अच्छे से खट्टा नहीं हो पाता है, इसलिए हमने इसमें प्रयोग किया है एक नींबू का रस। अब हम इसमें अपनी बारीक कटी हुई सब्जियां सब मिक्स करेंगे। और ये मटर, ये सब सब्जियां मिक्स करके इसको हम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ढककर। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा ये पेस्ट अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए, इसमें सूजी है, इसलिए सूजी ने अच्छे से पानी इसमें पी लिया है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये हमारा पेस्ट ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए, कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया, आप चाहें तो इस तरीके पनीर भी ग्रेटेड करके डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी इच्छा, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं पनीर। ये देखिए, ये हमारा पोहे से बनकर तैयार होने वाला, झटपट तैयार होने वाला नाश्ता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, ये हेल्दी और टेस्टी है। सुबह की भाग दौड़ में जल्दी में हमको कुछ नहीं समझ में आता है कि हम बच्चों के टिफ़िन में क्या बनाएं, उस पर हम ये आसानी से बना सकते हैं, ये झटपट बनकर तैयार होने वाला नाश्ता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, ये देखिए। अब हम गैस में एक तवा रखते हैं, उसमें हम डालते हैं तेल, आप इसमें घी या तेल कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इस तरीके फैलाते हुए पूरे तवे में लगा लेंगे। और इस तरीके ये छोटा छोटा डालकर बनाना शुरू करेंगे।
और इसके धीमी आंच में ही पकने देंगे हम। ये देखिए हमारे कितने अच्छे धीमी आंच में सिक रहे हैं। जब ये एक तरफ साइड से अच्छे तरफ से पक जाएंगे अच्छे से, तभी हम इनको पलटेंगे। ये देखिए हमारे निकलने लगे स्पॉटले, एक साइड से ये पक चुके हैं। अब हम इनको धीरे से इस तरीके पलट देंगे। ये देखिए अब देखिए अब इनको पलट के दूसरी साइड से भी हम अच्छे से पका लेंगे और नीचे से डालते जाएंगे थोड़ा सा तेल ताकि ये अच्छे से सिक सके हमारे दूसरी साइड से भी। हम इसमें हल्का सा ही तेल लगाएंगे। आप इसको चाहे तो घी में भी पका सकते हैं। ये देखिए हम इसको दूसरी साइड से भी पलट देंगे। ये देखिए कितने अच्छे हमारे ये सिक रहे हैं। अब हम इस साइड से भी पलट के इसको सेक लेंगे और दोनों साइड से अच्छे से पलटते हुए सेक लेंगे इनको। ये देखिए हमारे दोनों साइड से कितने अच्छे सिक चुके हैं। अब हम इनको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड से हमारे कितने अच्छे पक चुके हैं। अब हम इनको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरे बाकी के सारे पैन के किसी तरीके हम सेक लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए शशि का किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।